दोस्तों यूपीआई का इस्तेमाल तो आप करते ही होंगे, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि यूपीआई में गलत खाते में पैसे चले जाने पर या गलत अमाउंट 50 की जगह 500 या 5000 चले जाने पर उन पैसों को वापस पाने का कौन सा तरीका हमारे लिए सरकार की तरफ से दी गई है, कौन सा रास्ता है, वो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और शायद हो सकता है आप थोड़े बहुत जानते भी होंगे, लेकिन दोस्तों जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बाकी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे। डिटेल में हर एक चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाकर समझा वाला हूं, साथ ही इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज सीखने को मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो में ज्यादा देर न करते हुए मैं यहां अपने फोन की स्क्रीन को आपको दिखा दे रहा हूं। यहां मैं जो भी कुछ इस फोन में करने वाला हूं वो सब कुछ आपको यहां पे दिख जाएगा। तो अब मान लेते हैं कि आपने किसी को पैसे भेजते वक्त आप गलत ट्रांजैक्शन कर देते हो, अब आपको वापस पाना है। तो यहां करना क्या है, आपको गूगल में टाइप करना है NPCI, टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। गूगल में सर्च करने के बाद कई सारे लिंक्स आ सकते हैं, लेकिन आपको जाना है npci.org.in पर, यानी कि जो कि सरकारी वेबसाइट है, जैसा कि मैं इस पर क्लिक कर चुका हूं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां नीचे आएंगे तो यहां कंज्यूमर वाला एक लिंक आपको दिख जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यूपीआई कंप्लेंट है, देखिए ये जो यूपीआई कंप्लेंट वाला है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूंगा, आप इस पर सीधा क्लिक करोगे तो इस पेज में आ जाओगे। तो यहां आप अब आ चुके हो यहाँ, तो यहाँ पे कंप्लेंट में आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बताना होगा कि पर्सन टू पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति को आप पैसे भेज रहे थे, आपका गलत ट्रांजैक्शन या गलत अमाउंट आपका चला गया है, या फिर पर्सन टू मर्चेंट, यानी कि किसी दुकान पर या किसी और को, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ ऐसा आप कर रहे थे, मर्चेंट में जाएगा। तो पर्सन टू पर्सन जो है ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो इस पर मैं इसलिए इस पर ही आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे इशू में जब आप जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, अब आपको अपना इशू को यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। देखिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, मैं आपको जमीनी स्तर पर जुड़ी हुई कुछ चीजें भी बताने वाला हूं आगे, यानी कि जरूरी नहीं है कि ये सब कर देने के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो यहां पे देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरीज अकाउंट, यानी कि आपके खाते से आपने कोई पैसे भेज रहे थे, आप यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे आपके खाते से कट गए लेकिन सामने वाले के खाते में पैसे नहीं गए, तो आपको इसमें जाना है। ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया लेकिन आपके खाते से आपके पैसे कट गए हैं और वो आपको वापस नहीं मिले हैं, तो यहां जाना। इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, गलत तरीके से, यानी कि गलत अमाउंट जो है आपने किसी दूसरे अकाउंट को आपने भेज दिया है, तो यहां जाना है। ट्रांजेक्शन टाइम आउट बट अमाउंट डेबिटेड इन अकाउंट, यानी कि ट्रांजेक्शन फेल हो गया एक तरह का और खाते से पैसे भी कट गए हैं, सामने वाले को नहीं मिले हैं, कुछ फ्रॉड का शिकार हुआ है, यानी कि जो भी आपका समस्या है आप यहां सिलेक्ट कर लें। तो यहां सिलेक्ट करने के बाद अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो कमेंट्स में आपको टाइप कर देना उन चीजों को जो आपके साथ हुआ है, यानी कि कोशिश करें साफ साफ कम शब्दों का इस्तेमाल करके लिखने के लिए 500 कैरेक्टर्स का जगह यहां पे दिया गया। अब यहां पे दोस्तों सबसे जरूरी जो चीज है ट्रांजैक्शन आईडी का, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा। देखिए आज का ये मेरा एक ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन आईडी आपको दिख रहा है, यानी कि एक पैसा मुझे रिसीव हुआ है, रिसीव हो या आप किसी को भेजो तो ट्रांजेक्शन आईडी के जरिए से ही वो जाता है, एक नंबर दिया जाता है, उसको एक पहचान दिया जाता है उस लेन देन को, तो इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन आईडी। तो यहाँ मैंने फोन पे का ऐप को ओपन कर लिया है। ट्रांजेक्शन आईडी के बगल में कॉपी करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है, आप इसको कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है वापस से अपने जो फॉर्म पे। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, प्लीज एंटर योर ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, इट स्टार्ट्स विथ 1789 और 0। और ये जो ट्रांजेक्शन नंबर को मैंने कॉपी किया है ये काफी ज्यादा बड़ा है, ये इसके अंदर फिट नहीं होगा इतने सारे लेटर्स के लिए। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ जो जगह दी गई है ट्रांजेक्शन आई डी के लिए वो सिर्फ 12 लेटर के लिए जगह दी गई है, और जो ट्रांजेक्शन नंबर को मैंने कॉपी किया है उसमें बहुत ज्यादा नंबर है, तो हम कैसे चुनेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर को देना है? तो आपको देना होगा आखिरी के 12 नंबर, जो भी आपका ट्रांजेक्शन आईडी है उसके आखिरी के 12 नंबर को देना है, जो कि शुरू होगा 1789 या फिर 0 से, वहीं से आपको 12 नंबर को कॉपी करना है, कॉपी करके इसके अंदर में पेस्ट कर देना है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मैंने अपनी पूरे ट्रांजेक्शन आईडी को कॉपी कर लिया कमेंट सेक्शन में, फिलहाल के लिए मैं यहां पे आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो आप यहां एक चीज नोटिस करेंगे, 12 नंबर को जो मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है ये 1789 या 0 से शुरू नहीं हो रहा है,
क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन आईडी मैंने आपको दिया है वो पेमेंट मुझे रिसीव हुआ था। पेमेंट जब आप भेजोगे किसी को तो वो ट्रांजैक्शन आईडी शुरू होता है 1789 या 0 से, यानी कि 12 नंबर जो है 12वां नंबर उसका होता है आखिरी के, वो 1789 0 से होता है। जैसे कि आप यहाँ देख लो, इस अमाउंट को मैंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया है, तो यहाँ का इसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है इसको फिर से मैं कॉपी करके यहाँ आता हूँ और यहाँ कॉमेंट सेक्शन में टेम्पोरली मैं अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसका जो 12वां नंबर आखिरी का है वो आप देख सकते हो, ये शुरू हो रहा है 0 से, यानी कि यही सही नंबर है। मैं यहाँ से इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद सिलेक्ट बैंक नेम, तो यहाँ पे आपने जो भी बैंक अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट आप जहाँ भेज रहे हो कोई मायने नहीं रखता है, आपका जो बैंक अकाउंट है जिससे जिसमें ये समस्या आपको सामना करना पड़ रहा है उस बैंक को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी कोई एक बैंक अकाउंट जो भी आपका है। यूपीआई आईडी आपको अपना देना है, सामने वाले का नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एंटर योर यूपीआई आईडी, समझ रहे हो ना, अमाउंट कितने रुपए आपके कटे हैं या ज्यादा गए हैं, जो भी है पूरा अमाउंट जो ट्रांजेक्शन का है, यानी कि आपको 1000 रुपए भेजने थे आपने 10000 भेज दिए, तो आपको 9000 आपका गलत ट्रांजेक्शन हुआ है, तो 9000 रुपए आपको नहीं देना, आपको पूरा का पूरा अमाउंट यहां पे लिखना है, यानी कि 10000 रुपए, तो यहां आपको वो दे देना है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आपको देना है, किस तारीख को आपके साथ ये चीज हुआ है। ईमेल आईडी आपको अपना देना है, उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो भी आपका अपना ही रहेगा, और यहां पे अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको ये चीज मांगा गया है, तो हो सकता है आपको पासबुक अपडेट करा के उसका फोटो खींच के अपलोड करने में टाइम लग जाए, तो इसलिए आपको करना क्या है, हर एक बैंक का एक नंबर होता है मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने का, आप उस नंबर पे कॉल या मिस कॉल करें आपको मिनी स्टेटमेंट जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ध्यान देना है। बहुत सारे लोगों को यह समस्या हुआ है कि स्क्रीनशॉट जो है अपलोड नहीं हो रहा है, तो अपलोड होने के लिए यहां पे एक लिमिट दिया गया है, 2 MB से ज्यादा का वो फाइल नहीं होना चाहिए वरना वो अपलोड नहीं होगा, तो 2 MB के अंदर का फाइल आपको इसके अंदर अपलोड कर देना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। देखिए इस फॉर्म को तो आपने सबमिट कर दिया, लेकिन सबसे जरूरी बात जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कभी आपके साथ कोई गलत ट्रांजैक्शन हो तो जितना जल्दी हो सके आपको इस वेबसाइट के माध्यम से बता देना होता है बैंकों को कि मेरा गलत ट्रांजैक्शन हो गया है, तो बैंक जितना जल्दी हो सके उस पैसे को होल्ड कर पाएगी, वरना आपको आपके पैसे मिलने के चांसेस जो है काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, और यह समय जो है 3 से 4 घंटे के अंदर अगर आप कर देते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शिकायत करने के बाद भी उनको उनका पैसा नहीं मिला है, क्योंकि देखिए किसी बंदे के पास पैसे जो है गए, जाने के बाद वो उन पैसों को निकाल लेता है, उसको पता चलता ही उसने निकाल दिया। अब आप फॉर्म सबमिट करोगे उससे पहले वो जो उन पैसों को निकाल चुका होता है, और आपके फॉर्म सबमिट करते ही उस पैसे को होल्ड कर दिया जाए ऐसा भी नहीं होता है, थोड़ा समय लग जाता है इसमें, तो इस बीच अगर वो अपने पैसों को उन पैसों को निकाल लिया है तो ऐसे में आपको वो पैसे मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ लोगों को पैसे नहीं भी मिले हैं, तो इसलिए ध्यान रखें पैसे भेजने से पहले अमाउंट को अच्छे से देख ले और किसको भेज रहे हैं उस चीज़ को भी अच्छे से देख ले। और साथ ही दोस्तों इसका गलत फायदा भी हो रहा है, यानी कि फ्रॉड, कुछ फ्रॉड जो है आपका भरोसा जीतने के लिए पहले आपको पैसा भेजेंगे कि सर आपकी जो है लॉटरी लग गई है, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं कि लॉटरी आपकी लग गई है, हम आपको 5000 रुपये भेज रहे हैं और आपको जो है वहां से मतलब 5000 पहले भेज दिया जाएगा, अब आपके पास पैसे आ गए, आप सोचो हाँ भैया कोई फालतू का थोड़े भेजेगा, कुछ तो जरूर बात है, तो उसने आपको पैसे भेजने के बाद आपको कहेगा कि आपको ये अमाउंट पे करना होगा कंपनी को, तब जाके बाकी पैसे आपको मिलेंगे, तो 5000 के बदले में 1-1.5 लाख, 2 लाख आपसे मांग सकता है, आप मतलब भरोसा जीत चुका है वो ऑलरेडी आपका, तो अब आप 1-1.5 लाख देने के बाद इस 5000 को हासिल करने के लिए वो रॉन्ग ट्रांजैक्शन का कंप्लेन भी दे सकता है, यानी कि पैसों को होल्ड करके वो वापस उन पैसों को ले जा सकता है, या फिर बहुत सारे मामले में जो है लोग पैसे भेज के वापस पैसों को दोबारा से जो है होल्ड कर चुके हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कंप्लेन देने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन आपको चुप भी नहीं रहना है, आपको शिकायत करना जरूरी है। बाकी दोस्तों आज के इस एपिसोड में आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तो के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।